अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज नाइन्थ क्लास का मैथ चैप्टर नंबर फोर की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर फोर, उसका क्वेश्चन नंबर एट सेकंड पार्ट जो है वो आपके सामने है, जो कि वन आवर ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट में है, होल का माइनस है, वन आवर ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट में है, इसको हमने सोल्यूशन में लाना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ज़रा गौर कीजिएगा, ये रिव्यू के इस लास्ट में टू क्वेश्चन हैं जिनमें से एक मैं आपके हितवन में कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस एनुअल में आने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको गौर से समझिएगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वन ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट माइनस वन माइनस ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब हमने लिखा है सोल्यूशन यहाँ पे इक्वल, अब इसको रैशनलाइज करेंगे। जो उर्दू में व्यूअर्स हैं उनके लिए लिखा होगा कि मखरज को नातक करें, तो रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज का तरीका देख लें, वन आवर सेम लिखेंगे ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ, लेकिन इसकी साइन जो है वो चेंज करते हुए ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, अब मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, आवर में भी सेम ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसको रैशनलाइज किया है, और यहाँ पे देखे मैंने इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल लिखा है, साइन में यहाँ पे माइनस था, इस साइन को हमने चेंज करना होता है। अगर इसको मैं यहाँ पे कैंसिल भी कर दूँ तो इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे आगे जी, ये माइनस लिखेंगे। अब इसको भी रेशनलाइज करते हैं, यहाँ भी हमारे पास लिखेंगे वन आवर ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट में है, अब यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई करूँगा ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर के साथ और ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे मैंने माइनस और यहाँ पे माइनस रैशनलाइज कर दिया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट में आ जाएगा और आवर में, अब ये फार्मूला बन गया हमारा, और वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू माइनस वन वाई। ये देखें एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस फार्मूले से हम यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए ज़रा, ए लिखा है तो ए और ए, ए का स्केयर माइनस प्लस माइनस, तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर में आ जाएगा, आगे ये माइनस लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो सेम आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और अवर में फिर से फार्मूला बन जाएगा ए का स्केयर माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, अब मैं इसको आगे लेके चलते हैं हम, तो ये ए लिखा, आगे प्लस लिखा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आवर, अवर ए को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्केयर आ जाएगा, ये माइनस आएगा, ये हम इससे कैंसिल कर देंगे स्केयर रूट को स्केयर के साथ, तो अवर में इन टू में लिखेंगे ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये माइनस लिखा, यहाँ पे सेम आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, और अवर में ए का स्केयर माइनस, अब इसको कैंसिल कर देंगे स्केयर रूट के साथ, तो ये आ जाएगा इन टू में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपल इन टू के साइन को चेंज करेंगे, तो ये लिखा ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और ए स्केयर, साइन को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए स्केयर, ये जो माइनस है माइनस माइनस
प्लस कर देंगे एक्स स्केयर, आगे ये माइनस लिखेंगे सेम लिखेंगे ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आवर एक्स स्केयर। अब इन टू की साइन को चेंज करना है तो यह आ जाएगा माइनस ए स्केयर, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप सेम लिखेंगे ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आवर। अवर देखें ये स्टूडेंट्स, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल कर देंगे तो अवर में आ जाएगा एक्स स्केयर। यहाँ पे सेम लिखेंगे ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, स्केयर रूट में है तो अवर में ये कैंसिल तो अवर में आ जाएगा एक्स स्केयर। अब इसको एलसीएम में लाएंगे तो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम लेके चलते हैं, एलसीएम एक्स स्केयर आएगा। अब एलसीएम सेम है तो यहाँ पे हम सेम लिख देंगे क्योंकि एक्स स्केयर वन टाइम एक्स स्केयर और वन ये तमाम इक्वेशन, यहाँ पे ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पे माइनस ए माइनस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये मैंने इसलिए इनटू में लिखा है, यहाँ पे माइनस है इनटू की साइन को अब चेंज कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमने किया ए प्लस ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, अब यहाँ पे माइनस है साइन को चेंज कर देंगे इनटू में तो ये आ जाएगा माइनस ए, ये माइनस जो है ये प्लस आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। यहाँ पे याद रखना कि ये जो इनटू में है ये जो एक्स के साथ एक्स स्केयर के साथ माइनस है इसको हमने चेंज नहीं करना, हमने यहाँ पे ये एक टर्म है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट में है, ये वन टर्म है तो यहाँ पे ये जो माइनस है ये माइनस इस साइन को सिर्फ चेंज करेगा। अब आवर में सेम लिख देंगे एक्स स्केयर, अब देखें जी ये माइनस प्लस में है ये माइनस में है कैंसिल और ये वन और वन टू आ जाएगा टू, अगर सेम आ जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आवर एक्स स्केयर। और इसके आगे इस क्वेश्चन को हम लेके नहीं चल सकते तो इसका यही आंसर है। अब चलते हैं फिर से एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 है, 9th का मैथ चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर उसका 8 है, उसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है, वो कह रहे हैं इसको आपने सिंप्लीफाई करना है तो हमने इसको सॉल्यूशन में लाएंगे सॉल्यूशन लिखा उसके बाद सेम टर्म हमने लिखी। ये जो नज़र आ रहा है आपको ये मैंने एक फार्मूला लिखा है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अब हमने इसको रैशनलाइज किया तो ये देखें माइनस ये माइनस रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई ये प्लस और ये प्लस, इसी तरह ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा रैशनलाइज करेंगे तो ये जो प्लस है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ तो सेम आ जाएगा, इसको वन से करेंगे तो सेम आ जाएगा। अवर में ये देखें ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस और इनटू में ये इसका स्केयर आ जाएगा यानी कि ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट का स्केयर बन जाएगा। आगे ये माइनस लिखेंगे अब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, सेम यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये बन गया। अब क्या करना है जी, अब स्केयर का को स्केयर रूट से कैंसिल किया यहाँ भी किया, ये बार माइनस है ये भी माइनस है तो इन टू की साइन को ये चेंज कर देगा माइनस, तो ये भी मैंने चेंज किया ये वैसे लिख दिया पहले, ये देखें ये माइनस यहाँ पे लिखा ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये जो माइनस है और ये जो माइनस है इन टू की साइन को चेंज कर देगा, ये चेंज किया इसको कैंसिल किया तो ये हमारे पास इसको एलसीएम में लाए तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये इसका सॉल्यूशन।